नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर हब सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविल फाइनेंस क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप दूसरे पे लेटर एप्लीकेशन की तरह इसको भी यूज़ कर सकते हो। 30 दिनों का आपको टाइम मिल जाएगा, 30 दिन के बाद रीपेमेंट कर सकते हो। लेकिन क्या इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्या इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप लोगों को बेनिफिट होगा या फिर नुकसान होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एविल फाइनेंस का क्रेडिट लाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके फोन से जो जो डेटा कलेक्ट करेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा होगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। आपका फुल नेम एंटर करना होगा, अगर आपके पास किसी का रेफरल कोड है तो रेफर कोड एंटर कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में वीकली लकी ड्रॉ होता है। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे और आपका लक अच्छा रहा तो आप लकी ड्रॉ से कुछ पैसे जीत सकते हो, अप टू 1000 रुपए। लकी ड्रॉ के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विनर की लिस्ट मिल जाएंगे, जो लोग विनर हैं, और यहाँ पे सबका नाम है, आप लोग देख सकते हो, और इन लोगों ने 20-20 रुपए करके जीता है। दोस्तों, क्रेडिट लाइन एक्टिवेट करने के लिए सबसे ऊपर जो बैनर हो रहा है क्रेडिट एटीएम ऑफ 1000 मंथली, इस बैनर के ऊपर क्लिक करना होगा। एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करोगे कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर कोई भी इनकम नहीं करते। नेक्स्ट करोगे और आप लोगों के सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा। दोस्तों, सबको स्टार्टिंग में 1000 रुपए लिमिट मिलेगा और क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करने के लिए वन टाइम कॉस्ट 235 रुपए देना होगा। 1000 जो क्रेडिट लिमिट मिलेगा आपको, उस पैसे को यूज करने के लिए आपको हर महीने 90 रुपए यूजेस फी देना होगा। अगर आप किसी महीने क्रेडिट लाइन यूज नहीं करते हो तो आपको कोई भी यूजेस फी नहीं देना होगा। दोस्तों, जब भी आप पैसे को यूज करो आपको हर महीने की 25 तारीख को रीपेमेंट करना होगा। क्रेडिट लाइन मिलने के बाद जब आप इस पैसे को यूज करोगे, 2 महीने के बाद 1000 से लिमिट इंक्रीज होके 3000 रुपए हो जाएगी। क्रेडिट लाइन की लिमिट जब 3000 रुपए हो जाए, 5 महीने के बाद क्रेडिट लाइन की लिमिट 3000 से 5000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करना चाहते हो तो नीचे मिलेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे और आपके सामने 4 स्टेप शो होंगे। सबसे पहले आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो अपलोड करना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको अपना बैंक डिटेल्स देना होगा जिस पर आप पैसे लेना चाहते हो। थर्ड ऑप्शन पे आपको इनका फाइनल ऑफर और एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा। चौथे स्टेप में रीपेमेंट कंफर्म करना होगा, ई साइन करके NACH फॉर्म अपलोड करना होगा, मतलब आपके बैंक से ECS एक्टिवेट करना होगा, ताकि जब आप इनका पैसा यूज करके रीपेमेंट नहीं करोगे तो ये लोग ECS के थ्रू आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट कर लेंगे, जैसे कि आपके बैंक से EMI डेबिट होता है। दोस्तों, चारों स्टेप कंप्लीट होने के कुछ घंटों के बाद अप्रूव होके आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगा। फिर चाहे तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, फर्स्ट टाइम आपको 235 रुपए देना होगा और हर महीने क्रेडिट लाइन को यूज करने के लिए 90 रुपए यूजेस चार्ज देना होगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्रेडिट लाइन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम जान लेते हैं क्यों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए या फिर क्रेडिट लाइन के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं खुद की बात करूं तो कभी भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही छोटा अमाउंट का लोन देता है, 1000 रुपए का, और 1000 रुपए आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस 1000 रुपए के बदले ये लोग आपके फोन से बहुत सारे डेटा निकाल लेता है। अगर इस एप्लीकेशन के मैं इंफॉर्मेशन में जाऊँ और परमिशन में क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हो ये एप्लीकेशन ऐसा कोई भी परमिशन नहीं है जो कि नहीं लेता। कैलेंडर से लेके कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन, स्टोरेज, यहाँ तक कि दोस्तों सोशल नेटवर्क का भी ये लोग डेटा निकालते हैं। दोस्तों, दूसरा रीजन ये है कि 1000 रुपए क्रेडिट लाइन देने के लिए सबसे पहले 235 रुपए ये आपसे प्रोसेसिंग भी लेंगे, और उसके बाद 1000 रुपए यूज करने के लिए हर महीने 90 रुपए यूजर्स फी लेंगे। दोस्तों, तीसरा रीजन है इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करने का, वो है रिव्यू। जब मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आया था तो मैंने देखा 1 मिलियन लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है और 4.3 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। रिव्यू चेक करने के लिए जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखा 1 स्टार के काफ़ी सारे रिव्यू थे। तो दोस्तों, ऐसे एप्लीकेशन से बचने के लिए जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो उसका रिव्यू ज़रूर चेक करें, और
ऐसी एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल मार दे। तो बस आज के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।